अंबानी की बेटी, खुला ये बड़ा राज। आज हम आपको भारत की एक ऐसी दुल्हन से मिलाने जा रहे हैं जी को तैयार होने में 1,90,00,000 रुपए का खर्च हुए। व्हाट्सएप पर वायरल हो रही ये तस्वीर और डिटेल सभी को हैरान कर दे रही है। इनकी गहनों की कीमत 190,00,000 है, जिसमें कि 16,00,000 की साड़ी शामिल है। 90,00,000 के हीरे एवं मोतियों के अलंकारों से सजी कन्या का नाम है ईशा मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी जी की लड़की। ये भारत माँ की धरती के धन कुबेर की एक लौती लाडली बेटी ईशा अंबानी है, जो कि 1,90,00,000 के हीरे अपनी ड्रेस सहित घर में पहनकर पार्वती जी की जान ले जाएगी। आप मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंबानी की नेट कमाई कितनी है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की नेट कमाई कितनी है। वित्त वर्ष 2015-16 में मुकेश की रिलायंस इंडस्ट्रीज की कुल कमाई 27,630 करोड़ रुपए थी। बता दें कि कंपनी में मुकेश की बतौर प्रमोटर 44.7% हिस्सेदारी है। इस लिहाज से नेट कमाई में मुकेश का हिस्से 12,351 करोड़ रुपया है। ऐसे में मुकेश की हिस्से कमाई 1,029 करोड़, 1 हफ्ते 297 करोड़ रुपए, 1 दिन 34 करोड़ रुपए, 1 घंटे 1.4 करोड़ रुपए, 1 मिनट में 2.35 लाख रुपए और 1 सेकेंड की कमाई 3,916 रुपए हुई। इसका मतलब ये कि भारत के सबसे नाम सुनते ही आपके दिमाग में जो तस्वीर उभरती है वे भव्यता से कम नहीं होती। यह सवाल हम सबके दिमाग में हर बार आता है कि मुकेश अंबानी कितना कमाते हैं, इसीलिए आज हम आपके सामने इसका एक विस्तृत ब्यौरा लाए हैं। यह ब्यौरा आंकड़ों पर आधारित है। आपको बता दें कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी एक दिन में करीब 11,000 करोड़ रुपया कमाते हैं। अगर बात 2013 से 2014 वित्त वर्ष की जाए, मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने करीबन 4,00,000 करोड़ का टर्नओवर किया। मुकेश अंबानी की संपत्ति में सबसे पहले जिस चीज का नाम लिया जा रहा है वो है उनका घरेलू किला, जो कि विश्व के सबसे महंगे घरों में से एक है। उनके पास खुद के 3 प्राइवेट जेट हैं, जिनसे वे सफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात सुख सुविधा की जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके पास ना हो। उनकी कुल संपत्ति करीबन 1,60,000 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। तो अपनी पोस्ट में आपका स्वागत है। देश की सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को कुछ साल पहले जेट कैटेगरी की सुरक्षा दिए जाने के बाद और सरकार ने उनकी पत्नी को भी वाई कैटेगरी बता दें कि केंद्र सरकार ने मुकेश अंबानी को पहले से ही जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे रखी है। वे अपनी सिक्योरिटी के लिए हर महीने सरकार में 20 लोगों को इस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गांधी परिवार को सबसे अमीर व्यक्ति की पत्नी से बिजनेस वुमेन की पहचान बना चुकी नीता अंबानी का 1 नवंबर को जन्मदिन है। इस मौके पर हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप शायद नहीं जानते होंगे। चाय जैसी मामूली चीज भी नीता अंबानी के घर
पड़ती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपने दिन की शुरुआत जापान के सबसे पुराने क्रॉकरी ब्रांड नोरिटेक के कप में चाय पीकर करती है। नोरिटेक की क्रॉकरी की बाद दोबारा रिपीट नहीं करती। हम आशा करते हैं जानकारी आपको रोचक लगी होगी और आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 50 वर्ष के सलमान खान सालों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। वो करीब 15 साल की उम्र से उनके पास और एक खराब परिवार है, लेकिन उनकी जिंदगी मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी को डेट कर रही हैं। जी हाँ, आकाश अंबानी कैट से 8 साल उम्र में छोटे हैं, लेकिन जब हाल ही में दोनों के एक साथ पिता बच्चन की जोड़ी पार्टी में कैट कुछ तस्वीरों में आकाश अंबानी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में वो ये भी कहा गया है कि सच में दोनों के बीच कुछ चल रहा है या सिर्फ ये